21,391 पद अभ्यर्थी जो भी कह रहे हैं सर बुक बताइए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और वर्कबुक ले लीजिए, काफी ज्यादा कारगर है। आप ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी पटना में ले सकते हैं, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। उससे पिछले बहाली में बहुत सारे लड़के बिहार पुलिस में बने हैं, भर्ती हुए हैं, तो उससे आपको पढ़ने की जरूरत है। लगातार टेस्ट लगाइए साथियों और मेहनत करिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हिंद साथियों, आप सभी के बीच में मार्कोस टीम गांधी मैदान पटना है। साथियों आज बारिश हो रही है पटना में और यहां पे अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं, मद निषेध सिपाही अभ्यर्थी। यहां पे देख पा रहे हैं महिलाओं का जोश, बेटियों में कितना दम है। मैं सलूट करना चाहता हूं ऐसी बेटियों को जो हमारे यहाँ के इस बारिश में भी मेहनत कर रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने काफी ज्यादा सवाल पूछा, बहुत ज्यादा टेक्निक जानना चाहते हैं सिपाही अभ्यर्थियों। 689 पद में किस तरीके से दौड़ लगाया जाए, सर घर में अगर दौड़ना है तो कैसे दौड़े, और बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है आपका यूट्यूब में, बहुत ज्यादा डाइट के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा दौड़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए कि दौड़ जो है डाइट से नहीं होता है, दौड़ दिमाग में होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए, वो भूत सवार होना चाहिए दिमाग पे 24 घंटा कि आपको दौड़ना है तो दौड़ना है। जितना भी संघर्ष करना पड़े, जैसे भी दौड़ना पड़े, आप दौड़ेंगे और अपना अपने नौकरी को पाएंगे, अपने मंजिल को पाएंगे। आपको लगेगा कि सांस फूल रहा है, लगेगा जान पकड़ रहा है पूरा, नहीं दौड़ पाएंगे। वही लड़का दौड़ता है जो अंतिम तक लड़ने का क्षमता रखता है। आप दौड़िए। डाइट की बात है, आप रोटी पे ज्यादा ध्यान दें और आपको पानी दबा के पीना है सबसे, और दाल पीजिए। दाल अगर आपको मिल रहा है दाल पीजिए रगड़ के, सोयाबीन का दाना बुला के खाइए, चना खाइए, घोड़ा बनिएगा। ये सारे ब्लैक हॉर्स है मार्कोस टीम के। साथियों आप सभी को एक तरीका बता देता हूं, जहां भी दौड़ रहे हैं दौड़िए, लेकिन कभी दौड़ में अब्सेंट नहीं होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे दौड़ करिए। संडे को बॉडी को थोड़ा आराम दीजिए और उसके बाद मंडे को ट्रायल लगाइए। विदाउट ट्रायल विदाउट टाइमिंग आपका दौड़ बेकार है। आपको पता लगना चाहिए कि आप कितना दौड़ रहे हैं और कितना समय आ रहा है। अगर आप दौड़ते हैं अच्छे तरीके से तो आपको फायदा होगा, अगर आप नहीं दौड़ते हैं तो इस जन्म में नहीं होगा। प्रयास करते रह जाएंगे और आपको मंजिल नहीं मिलेगी। असफलता यह सिद्ध करती है कि परिश्रम पूरे मन से नहीं हुई थी, अगर सफल होगा तो परिश्रम किया होगा। आज ये बारिश में पसीना बहा रहे हैं, आप याद रखना सारे मद निषेध बनेंगे, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे। आप सभी जो भी अभ्यर्थी हैं, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें, खाने पीने पे ध्यान दे, नींद ज्यादा ले, मोबाइल से दूर रहे, और खासकर रात में आपको पूरा नींद लेना होगा। रात में आप लोग फोन पे लगे रहते हैं, ये गलत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं बात करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो भी गलत है। रात में पढ़ना भी ठीक नहीं, दिन में पूरा दिन पढ़ा, पढ़ने के लिए दिन में पढ़िए, शरीर पे ध्यान दीजिए। और आप सभी को कभी गलत नहीं बताया हूं, हमेशा सही बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा, नहीं आएगा नहीं बताऊंगा, लेकिन जब भी बताऊंगा तो सच बताऊंगा। तो साथियों आप सभी वो बुक को फॉलो करें जो बिहार पुलिस के लिए चक्षु प्रकाशन सबसे अच्छी बुक है, और मद निषेध अभ्यर्थी दौड़ में अब्सेंट नहीं करें, टाइम कम है, रगड़ के दौड़िए, रगड़ के खाइए, रगड़ के सोइए, और चौथा कोई काम नहीं होना चाहिए। जय हिंद जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। और आप सभी को कभी गलत नहीं बताया हूं, हमेशा सही बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा, नहीं आएगा नहीं बताऊंगा, लेकिन जब भी बताऊंगा तो सच बताऊंगा। तो साथियों आप सभी वो बुक को फॉलो करें जो बिहार पुलिस के लिए चक्षु प्रकाशन सबसे अच्छी बुक है, और मद निषेध अभ्यर्थी दौड़ में अब्सेंट नहीं करें, टाइम कम है, रगड़ के दौड़िए, रगड़ के खाइए, रगड़ के सोइए, और चौथा कोई काम नहीं होना चाहिए। जय हिंद जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद।